आगे की एक बहुत बड़ी जानी मानी शख्सियत, बहुत बड़े सियासतदान, जो कई पीढ़ियों से लोगों की सेवा, समाज सेवा में लगे रहे और जिनका लोगों की सेवा करने का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, सुशील रिंकू जी आज वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इनके आने से आम आदमी पार्टी सिर्फ जलंधर में नहीं बल्कि पूरे द्वाबे में बहुत मजबूत होगी और इनके एक्सपीरियंस का, अनुभव का बहुत बड़ा लाभ आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ हैं और उन्हीं के साथ साथ मेरे बड़े भाई और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी मंच पर मौजूद है। मैं सबसे पहले आदरणीय केजरीवाल साहब और मान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि रिंकू जी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाएं, उन्हें पार्टी फॉर्मली ज्वाइन करें। मैं हमारी पार्टी के नए सदस्य सुशील रिंकू जी से कहूंगा कि दो लफ्ज वो आप सबके सामने रखें और अपनी बात मीडिया से रखें। बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब, पंजाब के बहुत ही जुझारू मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार भगवंत मान साहब, आदरणीय श्री राघव चड्ढा जी और दर्जा बदर्जा जिन्हें भी मंच के उत्ते विराजमान सारे लीडर साहबान, अज मैं आम आदमी पार्टी दियां जिहड़ियां पॉलिसीज है और जिस शिद्दत दे नाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे लोकां दी सेवा कीती है और उस सेवा के बदले जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच एक बहुत बड़ा बहुमत मिलिया, उस तो पहला दिल्ली दे विच भी केजरीवाल साहब की रहनुमाई दे विच जिहड़ी सरकार है बहुत वधिया लोक भलाई लोक हित दे लई जिहड़े जन कार्य जिहड़ी कर रही है, उस तो बाद पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल पब्लिक दे जिहड़े काम हो रहे हैं, चाहे वह एजुकेशन के फील्ड दे विच है, चाहे वह हेल्थ सर्विस दे विच है, चाहे वह पंजाब की अमन अमान और शांति दे लई जिहड़े उपराले सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, इन्हां सारिआं तों प्रभावित होकर अज आम आदमी पार्टी के जिहड़े परिवार का हिस्सा बन जा रहे हैं और मेरा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन दा सिर्फ ते सिर्फ इक्को मकसद है, क्योंकि मैनू जिहड़ी सेवा पंजाब दी विरासत दे विच मिली है और मेरा हर संभव प्रयास होएगा कि मैं पंजाब दे लोकां दी, जलंधर दे लोकां दी सेवा करा और आम आदमी पार्टी जिहड़ी पंजाब दे विच इस वेले तुहाडे पंजाब दे लोकां दी रहनुमाई जिहड़ी कर रही है, उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल चल रही है, उहदा फायदा जिहड़ा जलंधर दे लोकां नूं वी मिले और जिहड़ी पावर है उहदा फायदा हर एक जन जन तक पहुंचे, घर घर तक आम आदमी पार्टी दीआं जिहड़ीआं पॉलिसियां पहुंचन, उस दिशा दे विच पूरे जोर दे नाल कम करांगे और आम आदमी पार्टी दा झंडा आने वाले समय दे विच होर उच्चा करांगे, होर बुलंद करांगे। और मैं दिल दी गहराइयां तों श्री अरविंद केजरीवाल साहब का, श्री भगवंत मान साहब का, श्री राघव चड्ढा जी का और समुची लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसी मेरे उत्ते विश्वास जताया, मैनू पार्टी दे विच शामिल किया और मेरा हर संभव प्रयास होएगा कि पार्टी नू नवे आयाम नवी ऊंचाइयों वाले पासे लेके जावां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपसे रूबरू हों। बहुत बहुत मेहरबानी। पंजाब की मीडिया की राजधानी जलंधर शहर, इतों का सारा मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक प्रिंट, सोशल मीडिया जिन्हें भी मंचों तुसी रिप्रजेंट करते हो, सारे का बहुत निके सदे से तुसी पहुँचे हो, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साड़ी
पार्टी के नैशनल कन्वीनर देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जिन्होंने देश के 130 करोड़ लोगों के दिलों के एक आस की किरण जगाई है, एक साफ सुथरे प्रशासन की उम्मीद की किरण जगाई है, एक 70-75 साल पुरानी हनेरी सुरंग दे विच एक जुगनू दे तौर ते एक छोटी जी चानण मुनारे दे तौर ते उन्होंने अपने आप नू स्थापित किया। श्री अरविंद केजरीवाल जी साडे सदे ते इत्थे जलंधर च पहुँचे ने, उन्हों दा असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि काफ़ी पहला इलैक्शनों तो पहला काफ़ी बार गरंटियां देने लई टाउन हॉल दे विच कदे इंडस्ट्रियलिस्ट नाल गल्लां करन लई, कदे स्पोर्ट्स दे इंडस्ट्री दे नाल रिलेटड जिन्ने भी व्यापारी से उन्हां नाल गल करन लई, कदे किसानां नाल गल करन लई इत्थे आउंदे रहे हैं। पर अज दा दिन एक खास इस करके महत्वपूर्ण इस करके है कि साडी पार्टी दे विच परिवार दे विच वाधा हो रहा है। आम आदमी पार्टी लखां करोड़ां लोगों की उम्मीदों की पार्टी है। जिस वेले अरविंद जी ने पार्टी बनाई सी तां उस वेले इन्होंने यह कहा सीगा कि असी कोई 20-25-50 या 100 बंदियां की पार्टी नहीं बनाउणी, दूजियां पार्टियां भी जिहड़े चंगे बंदे ने जे वो देश की सेवा करना चाहते हैं, जे मैं पंजाब च कहां कि पंजाब की सेवा करना चाहते हैं तो वो आ जाओ, आपां एक वड्डा काफिला बनाईए। जरूरी नहीं कि असी सरकार बन गई तो उस तो बाद असं दरवाजे बंद कर लिए, हजे होर करोड़ों लोगों ने इस पार्टी के आना है। अज बहुत सारे नौजवान 18 साल के होए होणगे, उन्होंने अज आम आदमी पार्टी का जिहड़ा पहली वोट अपनी पाउण दे हजे सुपने जिहड़े पूरे करने ने। सो इस करके जलंधर दे विच जिहड़ी बाई इलैक्शन आ रही है, सब तो पहला तो मैं मेरे नाल क्योंकि 2014 तो 2019 तक फिर 2021 तक मेरे नाल चौधरी साहब मेरे कोलीग रहे कांग्रेस वालों, मैं परमात्मा अगे अरदास करदा कि उन्हां दी आत्मा नू शांति बख्शे परमात्मा। एक ऐसे हालातों के बाई इलैक्शन हो रही है, पर क्योंकि देश का संविधान है कानून है कि हर खिते दे लोगों नू रिप्रजेंटेशन लोग सभा मिलनी चाहिए है। सो बाई इलैक्शन हो रही है, आम आदमी पार्टी एक पोलीटिकल पार्टी, असी जोर शोर ना लड़ांगे। और एक खास गल यह भी है, मैं मीडिया सामने दसनी चाहना, अरविंद जी पहला मालवे नू ये माण मिलिया सी संगरूर नू कि इक्को ही MP सी ते गूंज जिहड़ी सारे पंजाब च ते सारे देश च पैंदी सी, ते हुण इह वारी जिहड़ी है वह दुआबे नू मिलने लगी है। जलंधर तो जिहड़े ने साडी बाई इलैक्शन दे विच कोई जिहड़ी जित होगी तो साडा कोई भी जिहड़ा MP बनूगा वह इक्को ही होगा, पर इन्ना मैं कहना चाहुंना जिहड़ा भी होगा उहदी गूंज जिहड़ी है वह सारे पंजाब च ते सारे देश च गूंजूगी। सो इस बार दुआबे की वारी है, मालवे वालिया ने अपना फर्ज निभाता, हुण दुआबे वालिया की वारी है। साडे 4 MLA ने, कुछ MLA साढ़े बहुत छोटे छोटे मार्जिन ते हारे ने। सो जलंधर की जिहड़ी जनता है वो आम आदमी पार्टी दीआं पॉलिसीआं नूं पसंद करती है, बहुत सारे विदेशों च भी रहिंदे ने, इत्थों जाके लोग वो कंपेयर भी करते होणगे साढ़े एक साल के काम नूं भी कंपेयर कर सकते हो हुण तुसीं कि असी स्पोर्ट्स दे विच, असी एजुकेशन च, असी हैल्थ दे विच, असी बिजली च, असी इंफ्रास्ट्रक्चर च किन्ना जिहड़ा सुधार कीता है, ते अगे ये ऑनगोइंग प्रोसैस है, लंबे सुधार चलते रहेंगे। तो असी अज अपनी सारी जिन्हें भी दर्जा बदर्जा साडे वलंटियर साहबान, साडे रीढ़ की हड्डी, साडे जिहड़े अहुदेदार साहबान वो भी पहुँचे ने, जदों मर्जी बुलाओगे असी हाज़र रहेंगे, जिथे मर्जी बुलाओगे असी, तो जिहड़े गलियां जा जा के लोगों के कुंडे खड़का खड़का के जितने वाले बंदे हाँ, असी ना खुंडे खड़काने, असी ना कोई नशे, ना असी कोई बाहुबली, तो ना ही असी कोई पैसे ना इलैक्शन लड़ते हैं, असी इलैक्शन प्यार ना लड़ते हैं, असी इलैक्शन विकास के नाते लड़ते हैं। और जिन्नी बारी भी जिथे भी लोगों विकास से
प्यार दी साडे दी समझ आउंदी है ते उत्थे असीं कदे हारदे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे ख्याल से देश दे विच कोई इहो जिहा लीडर मैं अपनी जिहनी जो होश संभाली है मैं नहीं देखिया कि जिहने इह गल कहती होवे इलैक्शन तो दो महीने पहला 2020 दी इलैक्शन तो दो महीने पहला टीवी ते आके इह गल कहती होवे दिल्ली दे लोकां नूं कि दिल्ली दे लोकां नूं मैं बेनती करदा जे मेरे किए हुए काम पसंद आए ने पांच साल दे पौने पांच साल दे पिछले ता मैनू वोट पा दिओ नहीं मैनू वोट ना पायो। ये गल कहण वास्ते जिगरा चाहिए जी। ये गल उही बंदा कह सकदा जिन्हें कुछ किया होवे जिन्हों अंदरों कॉन्फिडेंस होवे। सो असी उस तरह की राजनीति जिहड़ी आ करदे आ असी जलंधर दे हल्के दे जिन्ने भी लोग ने जां वोटर ने उन्हां नूं भी यही कहांगे कि असी विकास की स्कूलां की हस्पतालां की बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर की ते शहरां नूं चमकाउण की राजनीति करांगे। असी किसी बदले की भावना की असी नफरत की राजनीति नहीं करते। तो मैं सुशील रिंकू जी का और उन्होंने जिन्हें भी साथी नाल आए हैं मैं उन्होंने सारे का आम आदमी पार्टी के संगठन के प्रधान होण वजों भी तो पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर भी मैं उन्होंने स्वागत करदा। तो मैनू बहुत उम्मीद है कि इन्हों के जोड़े तजर्बे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी करूँ कि सूँ लाभ मिलेगा तो साड़ी जी पार्टी है वो होर मजबूत हो साडा परिवार। तो मजबूत परिवार का मतलब यही हो गया कि असी फिर लोगों दसाव आसावान से उम्मीदा तो होर पूरे उतरन जो काबिल रहेंगे। मैं सारे का जिन्हें भी इतने पहुँचे ने मैं धन्यवाद करदा। तो मैं बेनती करदा साढ़े नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने कि वह क्योंकि मैं इस गलों भी धन्यवादी हाँ कि वह पूरे देश की जिम्मेवारी छड़ के आए हैं हूँ कल्ले दिल्ली की नहीं हूँ इन ते पूरे देश की जिम्मेवारी है। सो लोग बहुत उम्मीदा नाल इन वल देख रहे हैं तो वो पूरे देश की जिम्मेवारी छड़ के अज इतने स्पैशली पहुँचे ने। सीएम की योगशाला पहला पटियाला उद्घाटन किया तो हूँ जलंधर आए हैं। सो मैं उन्होंने कहूँगा कि वो अपने विचार भी सांझे करन ते जे पत्रकारां दे कोई सवाल ने उन्हां दे विच आ आप सबको मेरा नमस्कार सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं सुशील रिंकू जी को अपने आम आदमी पार्टी के परिवार में उनका आज तहे दिल से स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के स्वर्गवास होने पर ये सीट खाली हुई है। अगले महीने जलंधर के चुनाव हैं। मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि चौधरी साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे उनकी आत्मा को शांति मिले। अगले महीने जलंधर का ये चुनाव है और मैं समझता हूँ कि पिछले एक साल में जिस तरह से भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है बहुत शानदार काम किया है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई वो राजे महाराजों की सरकारें थी परिवारों की सरकारें थी उनके पिताजी किसी के नेता थे फिर बच्चे नेता बन गए बच्चों के बच्चे नेता बन गए। पहली बार एक सरकार आई है जो कि एक आम टीचर का बेटा पंजाब का मुख्यमंत्री बना जिसने खुद बचपन में किसानी की है उसे पता है कि किसान की क्या समस्या है पिंड में रहने वाले लोगों की क्या समस्या है एक आम आदमी की क्या समस्या है एक जब युवा होता है वो बेरोज़गार होता है उसको रोज़गार के लिए क्या करना पड़ता है। पिछले एक साल के अंदर जितने निर्णय लिए गए जितने काम किए गए उसके अंदर एक आम आदमी की वेदना की झलकी मिलती है। हम बिजली भी फ्री कर रहे हैं बाकी किसी पार्टी को सपना भी नहीं आया कि बिजली फ्री करनी चाहिए। हम बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं हम कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये सारे एम्प्लॉयज़ पानी की टंकियों पे मिलते थे अब वो नज़ारे बंद हो गए हैं। पंजाब के अंदर किसानों की फसलें अगर बर्बाद हो जाती है तो खेतों के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सबसे पहले नज़र आते हैं सबसे पहले उनके मुआवजे का ऐलान किया जाता है उनको मुआवजा दिया जाता है। ढेर सारे स्कूल बन रहे हैं अस्पताल बन रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं लोगों को फ्री में दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। आज सीएम की योगशाला का उद्घाटन किया गया। बहुत सारे निर्णय पिछले एक साल में लिए गए और ये दिखाता है कि
पंजाब अब सही तरीके से तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है और आने वाले टाइम में इसी तरह से और भी बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जलंधर के लोग इस सीट को हमें भारी बहुमत से जिता के हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और ये सीट हम लोग अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अगर आपके कोई दो तीन प्रश्न हैं तो पंजाब के विच संगरूर तो बाद दूजा मौका है उप चुनाव का, पार्टी की रणनीति की है ते दूजे पासे रिजल्ट्स दी की कुछ उम्मीद है, किस तरीके दे रिजल्ट्स दी तुसी उम्मीद कर रहे हो? देखो असी मेहनत पक्षों, मैं पहला भी कहा असी मेहनत पक्षों कोई कमी नहीं छड़ांगे, साडे वालों कोई कमी नहीं। वो कहें कि माली का कम पानी पाना पर मशका पावे, मालिक का कम फल फुल लाना लावे जा ना लावे। सो लोकतंत्र च मालिक जनता है, असी लोगों को जावांगे, उन्होंने गलबात करांगे विकास के नाते, अगे उन्होंने बच्चों के रोज़गार के नाते, बजुर्गों के इलाज के नाते, होर देश नूं पंजाब नूं तरक्की दे नाते असीं वोटां मंगांगे। असीं नफरत दे नाते, धर्म दे नाते जां किसी नूं भड़काउण दे नाते कदे वोटां नहीं असीं मंगियां। तुसीं हुण भी देख लोगे देश दे विच रामनौमी दे सिलसिले जगह जगह ते तुहानूं दंगे मिले, पर पंजाब दा मैं पहले दिनों कहिंदा रहा सोशल भाईचारा सोशल बॉन्ड इन्नी स्ट्रोंग है कि पंजाब दे विच साडे कोई असीं सारयां दे त्यौहार इकट्ठे मनाउने आ। सो पंजाब दी अमन शांति भी कायम रखणी है। सो इलैक्शन दे विच अपने वालों मेहनत साड़ी पूरी टीम लग जूगी। असी जदों इलैक्शन लड़ते हैं आम आदमी पार्टी वाले, असी अपने अपने अहुदे भुल जाने कि वह कौन है, वह कित्थे नहीं जा सकता, नहीं नहीं जे ये जाऊगा तो इन्ना इकट्ठ होना चाहिए अगे, वो साडे च नहीं। जे मेरे मूहरे भी दस बंदे होणगे मैं दस बंदे नूं भी संबोधन करूँगा, क्योंकि जे दस बंदे भी सुनणगे अगे जाके सौ नूं दसणगे। सो साडी पार्टी च इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जे उत्थे मुख्यमंत्री ने आना या किसी मंत्री ने या MLA ने आना इन्ना इकट्ठ उत्थे होना ही होना चाहिए। असी अपने जिहड़े कैंडीडेटा ते कदे भी प्रैशर नहीं पाया। तुसी 2022 दी इलैक्शन आप तुसी खुद बहुत बारी मैनूं मिले हो, जदों भी मिले आप कार दे विच मैं खड़ा हुंदा सी ना, सो असी वो उस तरह पिंडां दे विच जावांगे ते लोकां नाल गलियां च जाके गल्लां करांगे, आम लोकां दे आम लोकां चों निकले हुए आम लोकां च दोबारा जावांगे। रिजल्ट तां मैं तुहानूं कहा इह तां 10 मई नूं लोक दस देणगे। वैसे सानूं उम्मीद है कि असी अज उत्थे योगशाला दा जदों बटन दबिया तां मेरे दिल दे विच इह वी गल चल रही सी कि इह बटन असी तां दब रहे हां क्योंकि एक साल पहलां पंजाब दे करोड़ां लोकां ने झाड़ू वाला बटन दबिया सी, तां असी उह बटन दबण जोगे होए हां। सो इस करके सानूं उम्मीद है कि आह दो बटनां चों निकल के जिहड़े पंजाब दे लोक ने उह तीजा बटन दबणा। पंकज जी असी कोई किसी नूं हराउण नहीं आउंदे कि असी उन्हूं हरा दांगे, इहनूं इहदा गढ़ तोड़ दांगे, असी तां लोकां नूं जिताउण आउंदे आ जदों वी जांदे आ। मैं जिंदगी च नहीं सोचा सी कदे मैं कि सुखदेव सिंह ढींड साहब, विजेंद्र सिंगला, केवल ढिल्लों वर्गे दिग्गज उन्हां दी जमानत जब्त हो जाणी। पब्लिक है, लोक ने, लोक वड्डे हुंदे ने, लोकतंत्र च लोक वड्डे हुंदे ने। असी लोकां कोल जावांगे, लोकां नूं समझावांगे। लोकां ने कहा कि हाँ इन्हां इस पार्टी नूं वोट पा के साडी आवाज़ सेंटर दी सरकार तक पहुँचूगी, साडी आवाज़ जिहड़ी है जलंधर दी आवाज़ वह पूरे देश तक पहुँचूगी, तो वह साडे हक च फतवा दे देणगे। बाकी जिस तरह मैं पहला कहा कि लोगों का जिहड़ा फतवा सिर मत्थे लोकतंत्र दे विच हुंदा, पर असी अपने वालों मेहनत च कोई कमी नहीं छड्डनी। कोई साडी इस तरह की प्लैनिंग नहीं इहनूं इहदी लत्त खिच लो, इहनां नूं ऐं कर दो, इहनूं ऐं कर दो, वह नहीं। साडी तां इह है सारयां कोले जाके गल सुन लो, सारयां नूं अपनी गल दस दो, अपना फॉर्मूला अपनी पार्टी का एजेंडा रख दो, जिहड़ी पार्टी का एजेंडा लोगों को पसंद आया लोग उन्हें पसंद कर। देखिए जनतंत्र में जनता मालिक होती है, ये कई बार विपक्षी एकता की बातें होती हैं,
जनता जिस दिन एक हो गई उस दिन जनता तय करेगी कि क्या करना है। विपक्षी एकता इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता की एकता इम्पोर्टेंट है। आप जितनी मर्जी विपक्षी एकता कर लीजिए, अगर जनता ने किसी इसको जिताना है तो उसको जिताएगी और उसको जिताना है तो उसको जिताएगी। तो जनता का क्या मूड है जनतंत्र के अंदर जनता तय करेगी। थैंक यू। पार्टी ने डिसाइड करना है, बड़ी जल्दी असी जिहड़ा कैंडिडेट डिसाइड कर देंगे। तो ये साडा जिहड़ा पार्टी का कल्चर है वो दूजिया पार्टियां जिहड़ियां रवायती पार्टियां उन्हां वर्गा नहीं हैगा कि आह कोटा है, इहदा आह कोटा है, फलाने का कोटा है। जनता साडा कोटा है। कोई कहिंदा असी इहदी बी टीम आ, उहदी ए टीम, असी पब्लिक दी टीम आ, जनता दी टीम आ। असी सर्वे भी करवा रहे हैं, सर्वे दे विच जिहनूं लोग कहणगे असी उहदा नाम अनाउंस कर देंगे। असी तो मुख्यमंत्री का नाम भी जो मेरा नाम भी अनाउंस किया तो बकायदा तौर पर लोगों तो एस एम एस मंगे, चार पाँच दिन देते, उस बाद एस एम एस जिहड़े जां मैसेज आए उन्होंने लोग पहली बार होया कि लोगों वालों किसी का नाम आया, नहीं तो पार्टियां डिसाइड कर दिया सी कि तुहाडा ये होगा हुण। सो साडा आने वाले दिनों असी अपने जिहड़े पार्टी लैवल ते सर्वे ने उन्होंने असी करके दस देखो मानयोग हाई कोर्ट ने यही कहा सानू कि जिहड़े लिफाफे खोलणगे तां लिफाफियां दे विच जिहड़े नाम होए उन्हां ते कारवाई करियो, ते जे लिफाफे दे विच जिहड़े जिहड़े भी नाम ने उन्हां ते सख्त तो सख्त कारवाई होऊ, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं हैगा। ये पंजाब की जवानी नूं पिछले कई सालों तो चिट्टे दे विच बर्बाद करन दा मुद्दा है। उस चिट्टे ने बहुत सारे घरां च चिट्टे रंग दे सत्र बिछाते, बहुत सारियां साडियां भैणां दे रंगलियां चुन्नियां दे रंग चिट्टे करते। सो यह पंजाब की जवानी दे नूं चिट्टा बेच के जां चिट्टे राही पैसा कमा के अपनियां प्रॉपर्टियां बनाउण वाले जिन्ने भी उहदे च आउणगे नाम असीं उहनां ते कार्रवाई करांगे, कानून दे मुताबिक कार्रवाई करांगे। नाम मैं इस तरह क्योंकि वह कॉन्फिडेंशियल है, नाम जदों कार्रवाई होगी तो उदों ही पता लग जू कि किहदा नाम। बिल्कुल बिल्कुल, असीं तां जदों तो लिफाफे आए साडे कोल असीं उदों तो ही असीं दस्सदा कि साडे कोल पहुँच चुके ने। असीं तां कह के खुलवाए ने जी, पहलां वाली सरकारां तां खुलवाए ही नहीं। वह कहिंदे पहलां वाली सरकार कहिंदी सी खोल्यो ना, फिर सरकार बदल गई वह भी कहिंदे खोल्यो ना। तो जदों सानूं पुछिया हाई कोर्ट ने असीं कहा जी खोल दो, सानूं तां पता है कि साडे च तां कोई होना नहीं। उन्हां दोनों नूं डर सी कि साडे च होणगे, क्योंकि उन्हां नूं पता है कि यह काम साडे वालियां दी है। सो इस करके असीं तां खुलवाए ने, असीं तां टाइम बाउंड की इस तक कहिंदे कि बहुत लेट हाँ, पहले ही जल्दी तो जल्दी कर रही हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं है केंद्र सरकार से। जैसा मैंने अभी आपका क्वेश्चन एक तरह से रिपीटिशन ही है कि विपक्षी एकता इम्पोर्टेंट नहीं है, जनतंत्र के अंदर जनता इम्पोर्टेंट है, नंबर एक। नंबर दो, एजेंडा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सारे मिलके ये कहें कि हम इसको हराने के लिए आए हैं तो जनता को वो पसंद नहीं आता। जनता कहती है हारने का काम या जिताने का काम हमारा है, हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर कोई भी फॉर्मेशन होता है जनतंत्र के अंदर, चार पार्टियां साथ आती हैं, दो पार्टियां साथ आती हैं, तीन, दस, वो जनता के लिए क्या करेगी, उनका पॉजिटिव एजेंडा क्या है, वो एजेंडा जनता के सामने रखना होगा। जनता को जिसका एजेंडा पसंद आएगा जनता उसको वोट देगी। तो एक तो पॉजिटिव एजेंडा होना जरूरी है और दूसरा जनता की एकता जरूरी है। जनता को हराने के लिए नहीं, जनता को जिताने के लिए हमें चुनाव लड़ना है। बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला।